कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वारंटीज कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के सर्राफा कारोबारी प्रियांक अग्रवाल के स्टाफ ने ही रची थी 3.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट की साजिश। खुद ही कार पर ही उन्होंने हमला कराया और फिर लूट भी। शुरू में पुलिस को घुमाने की खूब कोशिश की, लेकिन अंत में सख्ती हुई तो सच जुबा पर आ गया। देर रात हुई लूट की इस घटना का सहारनपुर पुलिस ने कुछ ही देर में खुलासा भी कर दिया। स्टाफ के सत्यम शर्मा व ड्राइवर समेत 5 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटा गया माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल गुरुवार की रात सहारनपुर में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रियांक अग्रवाल का अटायर डायमंड के नाम से मेरठ शहर सर्राफा बाजार झंडा चौक पर प्रतिष्ठान है। वह मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने जिन कर्मचारी को गिरफ्तार किया है उनमें सत्यम शर्मा, तरुण सैनी ड्राइवर, हिमांशु उफ डिम्पी, प्रिंस करमपाल शामिल हैं। देखिए। घटना के बाद सहारनपुर के SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। क्या घटना हुई? ये दो लोग गाड़ी में अम्बाला से सहारनपुर होते हुए मेरठ जा रहे थे। उनका ये कहना था कि एक जो सर्राफ है मेरठ में उनके कर्मचारी हैं, जो चालक हैं वो भी 1.5-2 साल से उनके यहाँ काम करते हैं और जो साथ में लोग थे वो भी 3-4 साल से उनके काम कर रहे थे। और ये कुछ ज्वेलरी, जो डायमंड की ज्वेलरी होती है, ये शोपीस और ये जो पीसेस को लेके जाते हैं अलग अलग सर्राफों के यहाँ, और उनको अगर पसंद आता है तो वो खरीद लेते हैं। तो ये कुछ जो बचा हुआ माल था वो अम्बाला से लेके वापस आ रहे थे और सहारनपुर में एक जगह रुके थे और लगभग बता रहे हैं 8 सवा 8 के आसपास जब ये बाईपास की तरफ जा रहे थे तो 3-4 लड़कों ने उनको रोक के उनकी जो शीशे उनको तोड़ा और उनको थोड़ी इनके साथ मारपीट की, हल्की मारपीट की, और उसके बाद ये दोनों के दोनों बेहोश हो गए। और बेहोश के बाद जब इनको 2.5-3 घंटे के बाद होश आया तो इनके द्वारा एक राहगीर के माध्यम से सूचना दी गई है। इस पूरे प्रकरण में इनके जो सराफ हैं उनसे बातचीत की गई है तो उनके द्वारा बताया गया कि कल वो दिन में आके, वो बाहर हैं, राज्य से बाहर हैं, तो कल वो आकर दिन के बाद तहरीर देंगे क्योंकि उनकी फ्लाइट से वो आ रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो पूरी जो चीज़ें हैं उनकी छानबीन की जा रही है और यहाँ पर कैसे आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, इन सब पहलुओं की जांच छानबीन करने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग कितना की लूट हुई है, क्या कुछ पता लगा? इसमें जो इनके बेटे से मेरी बात हुई है, इनके बेटे का कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनके फादर देखते हैं, उनके फादर वर्तमान में गुजरात में हैं, तो गुजरात से वो कल वापस आएंगे, उसके बाद ही वही बता पाएंगे कि उनके द्वारा ही इन दोनों को भेजा गया था, उसके बाद ही इसमें आगे जो चीज़ें वो बताई जा सकती हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? हाँ, पुलिस की तरफ से जो इनके दोनों लोग थे उनका मेडिकल कराया गया। इसमें जो एक जो चालक थे उनका उनके द्वारा बताया गया कि जब ये सहारनपुर में आए थे तो उनके एक शराब के यहाँ कुछ 1-1.5 लाख रुपए लिए थे, उसके बाद एक जगह इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया था और उसके बाद जब ये गाड़ी चलाई थी तो कुछ लोगों ने इनको ओवरटेक किया। तो इन सब के जो बयान है, स्टेटमेंट है, उनको चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ इसमें इनके जो फ़ोन नंबर्स हैं और आदि जो चीज़ें उसको भी देखा जा रहा है और बाकी इनके जो लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है और कहाँ कहाँ पर ये रुके थे उन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। कितने बजे की घटना है और कार? ये घटना इनके द्वारा बताया कि 8:15 के आसपास की घटना है और उसके बाद ये लगभग 2.5-3 घंटे इनके द्वारा बताया कि दोनों के दोनों बेहोश रहे और उसके बाद 11:15 के आसपास एक राहगीर ने इनको देखा और उसके माध्यम से इन्होंने सहायता मांगी और उसे पुलिस को सूचना दी। कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने लूट की इस घटना का तथाकथित घटना का अनावरण भी कर दिया। सहारनपुर के SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी मीडिया को दी। थाना नागल के अंतर्गत कल रात्रि को 11:30-11 बजे के आसपास एक व्यक्ति सत्यम शर्मा और उनके साथ एक ड्राइवर है तरुण सैनी, इनके द्वारा अपने एक मालिक हैं जो सराफे का कार्य करते हैं मेरठ में, उनके माध्यम से सूचना दी गई थी कि ये अम्बाला से अपनी गाड़ी में आ रहे थे और ये अम्बाला, हरिद्वार और सहारनपुर में अन्य अन्य जगह पर जो डायमंड ज्वेलरी है उसको अन्य सराफ को ये बेचते हैं और उससे पैसे इकट्ठा करते हैं और ये सारा सामान अम्बाला से जब ये वापस आ रहे थे तो सहारनपुर के पास नागल थाने के नज़दीक
जो रेलवे फाटक पड़ता है उसके आगे जाकर चार अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनकी गाड़ी को रोककर उससे तोड़फोड़ की गई, और उसके बाद ये जो सामान भरा जो बैग था जिसमें डायमंड की ज्वेलरी थी वो वहाँ से लूट कर ली गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस के द्वारा इसमें पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद इसमें दोनों ही के बयानों में कुछ अंतर विरोध आया। उस बयान के आधार पर इन दोनों से और सख्ती से पूछताछ की गई। इन दोनों के द्वारा बताया गया इसमें जो सत्यम शर्मा है, इसका जो साला है डब्बी उर्फ हिमांशु, और इसके दो अन्य साथी, इन सब ने पांचों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि ये जो सारी डायमंड ज्वेलरी इसको ये हड़प लेंगे और पूरी घटनाक्रम को एक लूट का स्वरूप देंगे, और जिससे कि पुलिस जो है इसको लूट मानकर और फिर ये पूरे सामान को हड़प सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सत्यम शर्मा, तरुण सैनी के द्वारा बताए गए जो तीनों नाम थे, वो तीनों नाम जो है वो मेरठ के इनके रहने वाले रिश्तेदार हैं, और वहाँ पर जाकर पुलिस द्वारा सारा जो सामान था जिसमें डायमंड की जो ज्वेलरी थी जिसमें अंगूठियाँ और कुछ हार वगैरह थे, ये सारा का सारा बरामद कर लिया गया है। और इस पूरे प्रकरण में क्योंकि वादी अभी राज्य से बाहर है तो वो आकर इसमें तहरीर देंगे, और उसके आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत करके ये पांचों ही लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो भी सामान वादी का गया था वो सारा का सारा रिकवर कर लिया गया, और जो भी दोनों लोग थे सत्यम शर्मा और तरुण सैनी, इन दोनों के द्वारा ही पूरी प्लानिंग करके सारा सामान को हड़पने की नीयत से इस पूरी घटनाक्रम को लूट की घटना देकर इसकी पूरी घटना को इस तरह से बनाया गया कि लूट की घटना लगे, और इसमें जो भी अन्य लोग शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।